राम राम सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल, आपका जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आपके जो जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित जो भी सवाल थे, आपने जो भी कमेंट किए थे, मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज भेजे, उसके अलावा जो आपके लिए क्लास मैंने डाली थी उसके ऊपर आपने जो कमेंट दिए थे उनसे संबंधित ही अपने क्लास रहेगी, ठीक है। उसमें जो भी आपने सवाल पूछे उनसे संबंधित अपने क्वेश्चन जो है उनके उत्तर लेकर आए हैं। अभी आपको क्या करना है, सबसे अपने इसमें देखो कि अपने इन दो चीजों पर बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा करेंगे। एक तो सेकंड पेपर की तैयारी अपने कैसे करें, और एक एग्जाम है 11 फरवरी को होगा या नहीं होगा, और एक 15 गुणा की जो लिस्ट है वो कब आएगी, ठीक है। आपके सवाल हैं और मेरे क्या है जवाब है। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स का जो कमेंट आया था वो यह आया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सर, इसकी तैयारी हम कैसे करें, भी इंडियन इकोनॉमिक्स जो है इसकी तैयारी अपने कैसे करें। तो इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब कमेंट मेरे पास, अगर 100 कमेंट आए हो तो उसमें से 99% जो कमेंट है वो इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित अपने क्या करेंगे कि मैंने उन स्टूडेंट से जब चर्चा की इस पर, जैसे व्हाट्सएप पर जो उन्होंने मेरे को मैसेज डाले, तो मैंने उनको एक गाइड सजेशन की थी। मैंने कहा ये गाइड ले आओ और उस गाइड को ही अपने पढ़ना है, ठीक है। उस गाइड के अलावा अपने कोई और चर्चा नहीं करेंगे। अगर कोई नया स्टूडेंट इस समय जुड़ रहा है तो ध्यान रखना कि इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दे, उसे भी उसी गाइड के बारे में बताया जाएगा और वो गाइड ही अपने को पढ़नी है। उसके अलावा अपने कोई भी चर्चा अन्य गाइडों पर या किताबों पर चर्चा नहीं करनी। इस समय अपने कोई भी बुक नहीं पढ़ सकते। जैसे अपने आपको कह दूं कि मैं लाल एंड लाल की किताब ले आओ तो मत लेकर आना, क्योंकि इस किताब को अपने कवर नहीं कर पाएंगे और इस किताब में बहुत ज्यादा लेंथी दिया हुआ है और अपने को इतना नहीं चाहिए, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन आने हैं वो कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं, और 25 जो क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, तो 75 नंबर का अपने काम है। और अपने कोशिश ये करेंगे कि 75 जो नंबर है, मतलब 75 नंबर जो है, इनको इस प्रकार से अपने तैयार करें कि कम से कम अपने 70 नंबर तो आ ही जाएं, ठीक है। इस प्रकार से अपने तैयारी करनी है। एक तो मैंने आपको जो गाइड सजेशन की है उस गाइड को आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। दूसरा आपके लिए काम रहेगा कि आप जो मेरा YouTube चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। YouTube जो चैनल है उसे ध्यान रखना, सब्सक्राइब अपने जरूर कर लें, क्योंकि अपने इसी YouTube चैनल के ऊपर क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज, प्रत्येक चैप्टर वाइज अपने क्या करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपके चैप्टर है लगभग आपके जो सिलेबस के अंदर अपने चैप्टरों के अंदर उसे डिवाइडेशन किया है, तो 12 से 13 छोटे छोटे अपने चैप्टर बनते हैं, और 12 से 13 जो चैप्टर हैं या जो अपने अध्याय हैं इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। अब इन पर चर्चा कैसे करेंगे, तो आपको मैंने कहा कि गाइड को आपने पढ़ना है, उसमें से वो चैप्टर पढ़ना है। जैसे मैं आज आपको बता दूंगा कि अपने नेक्स्ट जो क्लास होगी वो किस चैप्टर पर होगी, तो आपने उस चैप्टर को बढ़िया तरीके से उस गाइड से पढ़ना है। और मैं क्या करूंगा कि उस चैप्टर से जितने भी संभावित अपने क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी संभावित अपने जो प्रश्न बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, वो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में मैं यहां पर लेकर आऊंगा और उनको सॉल्व करवाऊंगा, है ना, और उनको विस्तृत अपने चर्चा करेंगे। चारों जो ऑप्शन है उन चारों ऑप्शनों पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उन पर अपनी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस गाइड से उस चैप्टर को पढ़ना है। जैसे मैं आपको कहूं कि एक अपने चैप्टर राजस्थान का पर्यटन है, तो आपने राजस्थान के पर्यटन जो है उसको बहुत बढ़िया तरीके से इस गाइड से अध्ययन करना है और उस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, संभावित जो नए क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर भी अपनी चर्चा करेंगे। दूसरा, जो अपने पुराने पेपरों में उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए हों, अपने उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अपने अगर बात करें तो अपने जो सिलेबस के अंदर है इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या है, समस्याएं क्या है, उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। और इन पर जो चर्चा करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जो गाइड बताई उसे आप विस्तृत अध्ययन करते जाओ और आपके सामने जो समस्या आएगी अपने जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस समय ध्यान रखना उन बिंदुओं पर अपने चर्चा साथ साथ में कर लेंगे। आर्थिक नियोजन कोई कहीं टफ नहीं है, इसमें अपने पंचवर्षीय जो योजना है उस पर, और ध्यान रखना नीति आयोग वगैरह उनके ऊपर अपने चर्चा करनी है। जनसंख्या विस्फोट जो है ये भी कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि में जो भूमिका है उस पर चर्चा करनी है। यहां तक ये टॉपिक बड़ा इजी टॉपिक है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन टॉपिकों को जो मैंने आपको गाइड सजेशन की है, ठीक है, मैं यहां पर उस गाइड का नाम नहीं लूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो,
या नीचे जो कमेंट है उसके अंदर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, गाइड का नाम पूछ सकते हो, तो मैं वहां पर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप कृषि से संबंधित जो है अपने उन पर चर्चा करेंगे, भारत में औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, उन पर चर्चा करने यहां तक भी अपने इजी है। थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, समझने वाला जो टॉपिक आता है वो कौन सा है, मुद्रा स्फीति का है, इसको अपने विस्तृत चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के साथ में भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस पर अपने वन लाइनर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो अपने इसके ऊपर एक विस्तृत क्लास लेकर आएंगे सब्जेक्टिव टाइप के, है ना। भारत में सार्वजनिक जो क्षेत्र है इन पर किन 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 सार्वजनिक मतों पर अपने खर्च किया जा रहा है, कि उनसे आय क्या प्राप्त होती है, उनके ऊपर अपने खर्च कितना लग रहा है, ठीक है, उन पर अपने को चर्चा करनी है। कृषि व उद्योग में वैश्वीकरण व उदारीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, यह भी बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है, अपने को ध्यान रखना। मुद्रा स्फीति के बाद में अगर कोई दूसरा समझने वाला जो टॉपिक है वो यह टॉपिक रहेगा, कौन सा, कृषि व उद्योग के उदारीकरण व वैश्वीकरण का प्रभाव। इसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों की क्या भूमिका रही है, यह भी एक शानदार टॉपिक है, इससे संबंधित भी अपने चर्चा करनी है। भारत का विदेशी व्यापार आकार, संगठन और उसकी दिशा क्या जा रही है, इससे संबंधित अपने क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि अपने सिलेबस के अंदर करंट अफेयर्स दिया गया है और करंट अफेयर्स के अंदर यहां से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। राष्ट्रीय आय जो है ये अपने समझने वाला टॉपिक है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो है इस पर अपने चर्चा करेंगे, और राजस्थान में पर्यटन जो है अपने 13 इकाइयों के अंदर अपने क्या किया, सिलेबस को डिवाइडेशन किया है। अब 13 इकाइयों के अंदर अपने सिलेबस को डिवाइडेशन किया है, तो आपको सबसे पहले एक चैप्टर तैयार करना है, कौन सा, राजस्थान का पर्यटन तैयार करना है, ठीक है। तो अपने जब भी क्लास लेकर आएंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा आप जब उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना। तो जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल जो YouTube चैनल है उसे आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो पर्यटन से संबंधित अपने इकाई पर चर्चा करेंगे, और एक अपने राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, तो अपने 2 या 3 दिन के अंदर जो क्लास लेकर आएंगे वो राजस्थान के पर्यटन से संबंधित और राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित ये 2 क्लासें लेकर आएंगे। तो आपने जो पढ़ने जो चैप्टर है वो एक तो राजस्थान का पर्यटन, और अपने इन पर देखो, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या था कि सर हम इसकी तैयारी कैसे करें, तो मैंने बताया एक तो आप उस गाइड से जो मैंने गाइड सजेशन की है, जिन्होंने गाइड मतलब आज जो पहली बार आए हैं चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो वो ध्यान रखना इस नंबर पर मैसेज करें, मैं उन्हें उस गाइड का नाम बता दूंगा, वो गाइड ले आए और उससे चैप्टर जो मैंने बताया कौन सा, राजस्थान में पर्यटन, उसका अध्ययन करेंगे और उस पर अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे और उनको यूट्यूब पर अपने बढ़िया तरीके से सॉल्व करवाएंगे, और क्वेश्चन ऐसे लेकर आएंगे जो संभावित तो अपने एग्जाम में आने से संबंधित पुराने क्वेश्चन है उन पर भी अपने चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर है, आपका इसके बाद में क्वेश्चन था कि प्रीवियस पेपर को सॉल्व करवाएं, सर जरूर जी मैं प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व करवाऊंगा जो आपके सेकंड पेपर से संबंधित है। सेकंड पेपर से संबंधित आपके जो भी पुराने पेपर हैं उनको अपने सॉल्व करेंगे, ठीक है, अपने एक दिन डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, एक दिन डिसाइड करेंगे, और उसमें ज्यादा पेपर नहीं है अपने, ठीक है। अब देखो इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित अपने कहां पर पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने पूछा जा सकता है, इसके अलावा अपने सेकंड ग्रेड में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपने ध्यान रखना कि इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित जो है एक अपने कौन सा जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें पूछा जा सकता है, या अदर स्टेट के कोई भी अकाउंटेंट से संबंधित अपने उनमें चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपने कहीं पर भी अपने जो इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन अपने को मिलते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आरएस के एग्जाम के अंदर भी अपने ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं अपने उन पर भी चर्चा करेंगे, तो इन पेपरों पर अपने चर्चा करेंगे जो इंडियन इकोनॉमिक्स है। और सेकेंड पेपर में ध्यान रखना केवल पुराने जो पेपर है वो इंडियन इकोनॉमिक्स ही चर्चा नहीं करेंगे, बाकी पेपरों पर भी अपने चर्चा करेंगे। जैसे अपने बात करें तो रूल रेगुलेशन से संबंधित जैसे नगर पालिका के एग्जाम हुए उनके अंदर भी क्वेश्चन कई आए थे, जो अपने काम के हो सकते हैं उन क्वेश्चनों पर अपने चर्चा करेंगे, जो काम के नहीं है उन पर नहीं करेंगे चर्चा अपने, ठीक है। तो पुराने पेपरों को अपने सॉल्व जरूर करवाएंगे, चिंता न करें, यूट्यूब चैनल पर ही करवाएंगे, आपको बता दिया जाएगा, एक दिन डिसाइड कर लिया जाएगा, उस दिन अपने उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि अभी ऑनलाइन कोर्स लेने का कोई फायदा है या नहीं है। अभी आपको अगर मेरी देखो
अगर पर्सनल राय है उसमें आपको ऑनलाइन कोर्स लेने से अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ऑनलाइन कोर्स आप परचेज करते हो इस समय तो आपके सामने एग्जाम अगर अपने 11 फरवरी मानकर चलें तो मोटे मोटे आपके पास 60 से 65 दिन बचे हैं, और 60 से 65 दिन के अंदर अपने अगर कोशिश करें भी अपने कंप्लीट कर लें तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो इसके अंदर, है ना भी, टेस्ट जो सीरीज है उसे अपने ज्वाइन कर सकते हैं। बस ये है भी, इससे अपना क्या होगा कि तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप चैप्टर जो है, मतलब जो मैं आपको अध्याय बताता हूं उस अध्याय को आप उस किताब से पढ़ो, क्योंकि फास्टली अगर अपने को पढ़ना है तो यही कारगर होगा, है ना। तो जैसे मैं इसमें एक इंडियन इकोनॉमिक्स लेकर चलूंगा, एक इसके अलावा मैं रूल एंड रेगुलेशन से संबंधित जो 5 नंबर और 6 नंबर पेपर है वो लेकर चलूंगा, तो मैं 3 पेपर इकट्ठे लेकर चलूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, है ना। आपको बता दिया जाएगा उनके भी कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में आप उन पर अपने चर्चा करेंगे। तो जो अध्याय बता दिए उन अध्यायों को बढ़िया तरीके से पढ़े, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं उन पर भी ध्यान रखना कि अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी पुराने पेपर उन पर अपने चर्चा करेंगे। तो इस समय मेरा तो सजेशन है कि आप ऑनलाइन कोर्स न लें, जो आपके पास जो आपने पुराने जो मैटर पढ़ चुके हैं, पुराने जो मैटर पढ़ चुके हैं ना अपने, जो मतलब 2 या 3 महीने से पढ़ते आ रहे हैं, उसी को रिवाइज करें। ठीक है, केवल उसी को रिवाइज करें, या कोई छोटी ऐसी बुकलेट हो जिससे अपने कवर कर सकें। सर मैं अभी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करनी शुरू करूं तो सिलेक्शन मतलब जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा क्या, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, इसका कहने का मतलब ये स्टूडेंट का। तो देखो, अगर अपने यहां से दिन रात एक करें ना, तब जाकर कहीं अपने जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस कवर कर पाएंगे, पहली बात तो ये है ना। और 2 पेपर लगते हैं, फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर में मैंने आपको पहले वाली वीडियो देखनी है, उसमें मैंने कहा सिर्फ 4 ही सब्जेक्टों पर अपने को फोकस करना है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें 4 सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट पेपर में बताए कौन से पढ़ने हैं। सेकेंड पेपर में भी मैंने आपको बताया कि 4 ही पेपर अपने को पढ़ने हैं, 6-6 पेपर हैं, तो उनमें से 4 पेपर आपको कौन से पढ़ने हैं जो सब्जेक्ट से संबंधित है, भी अपने कौन से पेपरों को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो आपने ये करना है। इसके बाद में कैटेगरी वाइज कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये आप में से क्वेश्चन था, अधिकांश स्टूडेंट का था भी कैटेगरी वाइज। तो अपने टोटल फॉर्म लगे हैं 1,92,966 फॉर्म लगे हैं, और अपने ये एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 90,000 कैंडिडेट अपने को ले भी 90,000 कैंडिडेट ये लिए गए हैं भी। जूनियर अकाउंटेंट के अंदर कितने कैंडिडेट पास किए गए, 90,000 कैंडिडेट पास किए गए हैं। अब सामान्य से जर्नल से जो फॉर्म लगे हैं वो 13,469 फॉर्म लगे हैं, एसटी से जो फॉर्म लगे हैं 35,363 लगे हैं, एमबीसी से 8,601 अपने फॉर्म लगे हैं, ओबीसी से 80,030 लगे हैं। सबसे टफ जो कॉम्पिटिशन है वो ओबीसी के अंदर होगा। एसी के अंदर अपने ध्यान रखना 31,449 फॉर्म लगे हैं, और ईडब्ल्यूएस के अंदर 23,609 लगे हैं, और शहरिया के अंदर 145 पद लगे हैं। टोटल 1,92,666 फॉर्म लगे हैं, और इनमें से ध्यान रखना कि 90,000 को पास किया गया है। अभी तक 15 गुणा की लिस्ट जारी नहीं हुई, और शायद हो सकता है कि 15 गुणा की जो लिस्ट है बहुत जल्द बोर्ड जो है अब जारी कर दे, 15 गुणा की जो लिस्ट है वो बहुत जल्द अपने बोर्ड जारी कर सकता है, और अपने कह सकते हैं विद इन 1 वीक जो है, मतलब आगामी जो अपना 1 सप्ताह, इस 1 सप्ताह के अंदर जारी कर सकता है। अगर इस 1 सप्ताह के अंदर ये अपने 15 गुणा की लिस्ट जारी हो जाती है तो एग्जाम मानकर चलना 11 फरवरी ही होगा। अगर 1 सप्ताह में इसमें जारी नहीं होती और दिसंबर लास्ट में होती है तो ये मानकर चलना कि एग्जाम 11 फरवरी से फिर आगे जाने की संभावना हो सकती है। तो शायद आपका एक क्वेश्चन ये भी था कि शायद एग्जाम सर 11 फरवरी को होगा या नहीं होगा, अगर इसी सप्ताह में जारी है तो संभावना है 11 फरवरी को, अगर दिसंबर लास्ट में या जनवरी स्टार्टिंग में जारी होती है तो संभावना ये रहेगी कि एग्जाम 11 फरवरी से आगे जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने 20 से 25 दिन जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब अगर अपने ये कुल आवेदन की बात है तो 90,000 पास किए गए, इनमें 15 गुणा उठाए जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन कहां पर है, ओबीसी में। अगर बाकी में अगर अपने बात करें तो लगभग अगर बात की जाए तो अपने 150+ जिसके नंबर हैं वो लगभग तैयारी में लग जाए, लेकिन ओबीसी में थोड़ी सी मेरिट ऊपर जा सकती है क्योंकि कंपटीशन टफ है वहां पर, ओबीसी में थोड़ी सी ऊपर जा सकती है 150 से। अब यह है कि इस में अपने ये अपने 9 सितंबर की, ठीक है भी, 9 या 10 सितंबर के आसपास की ये सूचना रहती है शायद। इस सूचना के अंदर अपने को देखो क्या दिया गया,
चयन बोर्ड की धीमी गति, 1,92,000 छात्रों ने किया आवेदन जिसमें से लगभग अपने 80,000 परीक्षा देंगे, मतलब 90,000 की इन्होंने लिस्ट जारी कर दी, 90,000 जो है वो हम पास करेंगे, ये इन्होंने कह दिया था। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में 2 महीने बाद भी मुख्य परीक्षा के लिए कोई भी कट ऑफ तय नहीं हुई, मतलब 15 गुना की लिस्ट कोई भी तय नहीं हुई थी और यहां पर ये दे रखा था। अब इन्होंने एक बात कही थी, ठीक है, एक बात क्या कही थी कि चयन बोर्ड जूनियर अकाउंटेंट एवं तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती के 15 गुना की कट ऑफ जल्द जारी करनी चाहिए ताकि जिनका इसमें नंबर नहीं आए वे किसी अन्य भर्ती की तैयारी में जुट सके। सभी अभ्यर्थी अभी असमंजस में है, वे मुख्य परीक्षा की शामिल होंगे या नहीं होंगे, सब है ना, ये भरत बेनीवाल जी जो है अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ से संबंधित है। एक बात इसमें और कही गई थी कि ये कहता है कि चयन बोर्ड सबसे पहले जो पदों के, मतलब जो पद हैं टोटल, उन पदों के मुकाबले में 15 गुना का चयन करेगा। मतलब अगर मान लो कि टोटल जो पद हैं वो 100 हैं और उन्होंने ध्यान रखना कि 15 गुना में कितने पास करने हैं, 1500 पास करने हैं, और अगर मान लो कि किसी कैटेगरी में 15 गुना मतलब 1500 आ ही नहीं रहे, वहां पर जो कट ऑफ उन्होंने डाली है उस कट ऑफ के अंदर 80 × अगर अपने 15 बात करें तो अपने मान के चलते हैं 15×8 = 120, मतलब 1200 कैंडिडेट पास हुए, तो इन्होंने कहा कि पास करेंगे। इसके बाद कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों का प्रतिशत देखा जाएगा, जिस कैटेगरी का प्रतिशत 15 गुना से कम होगा, मतलब 15 गुना पास होने चाहिए थे 1500 लेकिन पास कितने हुए, 1200 हुए, जो कट ऑफ जारी की जाएगी। अब बचे कितने कैंडिडेट, 300 कैंडिडेट अपने को और चाहिए, तो ये क्या कह रहे हैं कि फिर हम कम, मतलब 15 गुना से कम होगा या 15 गुना तक के अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, दोनों ही कंडीशन कर दी भी हम और भी कम ले सकते हैं या इसे मतलब 15 गुना में भी इसे रख सकते हैं, ये बात कही गई थी। तो ये अपने एक न्यूज पेपर के अंदर एक अपने अपडेट आया था, उसके ऊपर अपने चर्चा थी भी, आपने पूछा था कि सर कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए, तो वो मैंने आपको बता दिए। सबसे कम कंपटीशन में जनरल कैटेगरी के लिए हुआ है। 150 अंक वाले का फाइनल तैयारी में लग जाए क्या सर, ये क्वेश्चन था। 150 अंक तो ध्यान रखना कि अगर कोई जनरल से है, अगर कोई ध्यान रखना इसमें जनरल कैटेगरी से है, एससी से है या एसटी से है, या ध्यान रखना कि एमबीसी से है, या अपने बात करें कि ईडब्ल्यू से है, ठीक है, ये लग सकते हैं। ओबीसी जो कैटेगरी है ना उसमें थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जा सकती है, जनरल से थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, ये ध्यान रखोगे भी, ठीक है। अब अगर अपने बात करें अकाउंटेंसी के पुराने पेपर उपलब्ध करवाएं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अकाउंटेंसी से संबंधित जिन जिन एग्जामों में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैं उनसे संबंधित एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊं और साथ में उसे यूट्यूब पर भी सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें पुराने पेपर जो हैं मैं उनसे संबंधित जो भी एग्जाम में हो चुके हैं उन क्वेश्चनों से संबंधित एक पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल जो है ये ज्वाइन जरूर कर लें, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से है, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसके अंदर मैं पीडीएफ उपलब्ध, आपको कोशिश रहेगी कि इस पीडीएफ को मैं उपलब्ध करवा दूं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी से संबंधित पुराने पेपर उपलब्ध करवाने की कोशिश रहेगी, और अपने पास समय रहा भी अपने 5 नंबर और 6 नंबर पेपर और एक अपने इंडियन इकोनॉमिक्स कंप्लीट अगर दिसंबर के अंदर अपने कर देते हैं या जनवरी फर्स्ट वीक में कर देते हैं तो अपने कोशिश करेंगे कि अकाउंटेंसी के पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवा दूं, ठीक है। इसके बाद में साइंस में क्या पढ़ें, ये क्वेश्चन भी काफी आया था, मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आया था मेरे पास में वो कौन सा आया था, साइंस वाला आया था। और इसमें साइंस में अगर आपने पढ़ना है तो मेरा मानना यह है कि पुराने जो भी पेपर हैं, पुराने पेपर जो भी हो चुके हैं, चाहे वो आरपीएससी आपका ले चुकी है एग्जाम, चाहे वो आपका अधीनस्थ बोर्ड ले चुका है, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड आपके जो एग्जाम ले चुके हैं, तो साइंस में ध्यान रखना कि इन बोर्डों से संबंधित जो भी पुराने अपने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों पर ही अपने को चर्चा करनी है और विस्तृत चर्चा करो उन पर, ठीक है। बढ़िया तरीके से उन क्वेश्चनों को ही आप पढ़ दो बढ़िया तरीके से, और साइंस के अंदर अगर मान लो कि आपके 25 क्वेश्चन हैं तो 25 क्वेश्चन अगर आप उनसे तैयार करते हो, मतलब विस्तृत चर्चा के साथ में उन क्वेश्चनों को तैयार करते हो, जैसे
भौतिक परिवर्तन से है या कोई रासायनिक परिवर्तन से है, ठीक है। तो आप भौतिक परिवर्तन से देखो कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप भौतिक परिवर्तन से संबंधित उन क्वेश्चनों पर फोकस करोगे, रासायनिक परिवर्तन से संबंधित उन क्वेश्चनों पर फोकस करोगे, ठीक है। अगर मान लो कि कोशिका से संबंधित कोई क्वेश्चन दे रखा है तो कोशिका पर उस पर अध्ययन करोगे, विस्तृत अध्ययन करोगे। तो अपने एक तो क्वेश्चन वाइज चलना है और क्वेश्चन वाइज चलोगे तो साइंस बहुत ईजी तरीके से क्लियर कर लोगे। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो भी बहुत अच्छी तरह से साइंस कर लेंगे। और नॉर्मल सी बात है कि 25 में से मेरा मानना है कि 15 से, ध्यान रखना, 18 क्वेश्चन के अंदर आराम से आप बैठ जाओगे। जो अपने कौन से रहते हैं 25 क्वेश्चन, उसमें से जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो 15 से 18 क्वेश्चन का मैं कह रहा हूं, अगर पुराने पेपर सॉल्व करके जाते हो। और साइंस बैकग्राउंड से है वो एक संभावना ये रहेगी कि लगभग 22 प्लस ही जाएंगे वो, ठीक है, अगर पुराने पेपर सॉल्व करते हो। फिर भी अगर मान लो कि आपको ये पुराने पेपर का कलेक्शन चाहिए, सर हमें बताएं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डालें, मैं आपको एक गाइड का नाम सजेशन करूंगा। उस गाइड के बारे में आपने चर्चा करनी है, उस गाइड के अंदर ही आपने अध्ययन करना है और वो गाइड के अंदर आपको शानदार कंटेंट दे रखा है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, ये आपके सवाल थे और उन सवालों पर मैंने आपको जो है प्रत्युत्तर दिए हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें भी, लाइक जरूर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें भी, ठीक है। तो अपने बहुत जल्द आपके अध्याय के साथ में, इंडियन इकोनॉमिक्स के साथ में बहुत जल्द अपने रूबरू होने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।